नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टुडे 24 न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा नीचे धस गया है, जिससे यहां आवाजाही पूरी तरीके से रुक गई है। प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई है और फिलहाल सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी धीराज सिंह गवर्याल ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण किया जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। और इसमें देखिए, पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टिमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवाना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।